हेलो दोस्तों, आज हमारे पास देख सकते हैं आप लुमिनेंस का ये इन्वर्टर आया है। जो पहले चलते थे वो वाला, इस इन्वर्टर से बढ़िया कोई इन्वर्टर नहीं लगता लुमिनेंस का। बहुत ही बढ़िया इन्वर्टर है जी, रिपेयरिंग में भी आसान और जल्दी ख़राब भी नहीं होता। लेकिन इसमें चलो ख़राब हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन काफ़ी समय के बाद ख़राब हुआ। इसमें कस्टमर बोल रहा था तो इसमें कुछ जलने की महक आई, तो हमने ये खोल के देखा था, ये जैक पे आग लगी हुई है। ये जैक पे, इसका जैक ये जल गया है। निकाल के देखते हैं, बिल्कुल चिपक चुका है इसलिए निकल नहीं रहा है। कोशिश करके देखते हैं, नहीं निकल रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देख सकते हैं आप दोस्तों, ये हमारा जैक इसका जल गया है। तो ये ना तो आउटपुट दे रहा है ना चार्जिंग कर रहा है इस समय। अब हम इसकी किट खोलते हैं, देखते हैं। प्लेट तो नीचे से नहीं जली है, अगर प्लेट जली होगी तो हमें सर्किट इसका नया बनाना पड़ेगा। तो प्लेट खोल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है। तो ये दोस्तों हमने इसकी प्लेट खोल ली है और उल्टा कर लिया है। नीचे से इसमें कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल साफ साफ आप देख सकते हैं, प्रिंट साफ हैं बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, जो तार हमारे जले हैं जैक में वो हम सीधे सीधे लगाएंगे, क्योंकि जैक इसका मिल नहीं पाएगा अभी, और अगर जैसे मिलेगा भी तो इसमें समय लगेगा। तो हम तार लगाते हैं, कैमरे को सेट कर देते हैं एक जगह ले जाके। कैमरा दोस्तों हमने एक जगह लगा लिया है, अब लगाते हैं तार स्टेप बाय स्टेप। पेचकस से इसको घेर लेते हैं पूरे को। पक गया है बहुत बुरी तरीके से, ये दोस्तों निकल चुका है। ये इसकी हालत हुई है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई है। हम क्यों ना जो जो तार हमारे जले हैं वो ही लगाएं, केवल बाकी जैक में ही लगा देते हैं। वो हम इस तरीके से करेंगे, जो हमारी पिनें जली हैं उन्हें हम बिल्कुल बाहर निकाल देते हैं। पूरा प्रिंट ही उछलेगा, उछल गया है प्रिंट, पूरा जल चुका है। दूसरी भी पिन इसकी निकाल देते हैं नीचे, क्योंकि दो पिनों पे डबल डबल कनेक्शन होते हैं, एक ही जगह से आते हैं दो दो तार। ये पिनें दोस्तों घेर दी हैं, पहले साफ कर लेते हैं।
कटर की सहायता से। ये लगा देते हैं ऐसे ही, और इधर का इधर लगा देते हैं ऐसे ही, दो पिन वाला। साफ करके काटने के बाद दोस्तों बचे हमारे ये जले हुए केबल तार। हम चले हुए तारों को यहाँ से टाई हटाएंगे। पहले लाल वाले में तार और जोड़ेंगे। छीलने के बाद इसको भी छील लेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे। टेप लगा लेंगे, और ये थोड़ा सा बड़ा करके सीधा सीधा जोड़ देंगे। वैसे ये नहीं लगता, तब भी कोई फर्क नहीं था, लेकिन जब दो वायर कंपनी वालों ने लगाए हैं, अच्छे के लिए लगाए हैं, तो हमें उनका यूज करना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से ये प्रिंट गया है, रिले पे होके फिर से यहीं आ गया है, तो हम सीधे रिले पे लगा देते हैं। अब बचा हमारा पीला तार। पीला जहाँ तक जला हुआ है वहाँ तक काट देते हैं। अब इसको भी छील लेते हैं, इसमें भी थोड़ा वायर जोड़ लेते हैं नाप के, जरूरत के अनुसार। ये प्रिंट यहाँ से आया है इस वाली पिन पे रिले की, तो इसको हम यहाँ जोड़ देते हैं। होल्डर थोड़ा ले लेते हैं, होल्डर दोस्तों अभी ख़त्म हो गया, तो ऐसे ही काम चला रहे हैं। एक आध दिन में मार्केट जाना होगा, आ जाएगा। प्लेट बहुत है हमारे पास, काम हमारा चल जाता है बिना सोल्डर के। वैसे काम चलाने के लिए तो हम थोड़ा बहुत रखते हैं। ये है हमारे पास सोल्डर, जहाँ के दोस्तों इस हिसाब से लगा सकते हैं। दोस्तों हमारे सारे कनेक्शन हो चुके हैं, लेकिन एक चीज नज़र आ रही है इसमें, ड्राई शोल्डर की। ये सब पिन इसकी लूज हो चुकी हैं सॉकेट की, इसीलिए इसके इंडिकेटर भी जलने की नहीं, वो शिकायत है कि इंडिकेटर नहीं जलते हैं। के यहाँ मैंने सुबह चेक किया था इसे उसके घर पर,
तो इंडिकेटर इन्वर्टर का शो नहीं कर रहा था, इन्वर्टर ऑन हो रहा था लेकिन इंडिकेटर शो नहीं कर रहा था। तो हम ये भी सब सोल्ड करते हैं, टेस्ट लगा लेते हैं। तरीके से सोल्ड कर लेते हैं। ये सारी पिनें दोस्तों सोल्ड हो चुकी है। ये दोस्तों सोल्ड हो चुकी हैं पूरी पिने फर्स्ट क्लास। अब और भी पिन चेक कर लेते हैं रिले की, क्योंकि पुराना इन्वर्टर हो जाता है तो 20 वोल्ट की ज़्यादा कमी आती है। लगभग सभी लूज हैं पिने। अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। तार लगा लेते हैं। इन्वर्टर ने बीप दे दी है, हम इसे ऑन करते हैं। इन्वर्टर देखिए दोस्तों ऑन हो चुका है, इंडिकेटर भी आ चुका है। इंडिकेटर दोस्तों कैमरे में नहीं दिख पा रहा है, कैमरा सेट करता हूँ मैं, देख सकते हैं दोस्तों UPS का इंडिकेटर शो हो गया है। ये ऑफ हो गया है, ये ऑन हो गया है। ये दोस्तों आउटपुट आ चुकी है। अब हम इसमें लाइट लगाते हैं। हमारे पास 16 एम्पियर का सॉकेट नहीं है तो इसमें हम अपना तार लगाएंगे। दोस्तों हमने तार लगा दिया है, अब हम इसमें मेन देने जा रहे हैं। ये दोस्तों मेन आ चुकी है, चार्जिंग देखते हैं आती है या नहीं आती है। चार्जिंग दोस्तों आ चुकी है, देख सकते हैं आप। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, और कोई मन में सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अभी भी इसमें फॉल्ट है, देख सकते हैं ये चार्जिंग थोड़ी देर आने के बाद बल्ब बिलिंग करने लगा। हो
हो सकता है इसका फ्यूज पूरा हुआ हो, तो इसका फ्यूज हम चेक कर लेंगे। देख सकते हैं दोस्तों फ्यूज जला हुआ है बिल्कुल, कैमरे के पास देख सकते हैं आप। हम दूसरा डालते हैं, जला होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फ्यूज इसका ये जला होगा क्योंकि जब जिसमें जैक में आग लगी है हम ये हटा के फिर से लगाते हैं। देखें दोस्तों कुछ होता है या नहीं होता, चार्जिंग आ चुकी है। लेकिन एक चीज़ है, हमें बैटरी से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर बैटरी से लगाना पड़ेगा, उसके बाद ये वाला प्रॉब्लम तब ठीक होगा। अब फ्यूज हमारा लग चुका है, इसको हटा देते हैं। बैटरी से डिस्कनेक्ट हो गया है, अब बैटरी को फिर लगाते हैं। दोस्तों इसमें चार्जिंग आ जाएगी, अभी भी अगर नहीं आती है तो प्लेट में कोई फॉल्ट होगा, फिर देखते हैं। पहली चीज तो चार्जिंग आ जाएगी दोस्तों, चार्जिंग आ चुकी है, अब ये बिलिंग नहीं करेगा। चार्जिंग आके चली गई यानी हमारी बैटरी फुल चार्ज है, इसलिए चार्जिंग आके चली गई। चार्जिंग लाने के लिए हमें डायरेक्ट लगाना पड़ेगा, अपने इन्वर्टर की हमें चार्जिंग बंद करनी पड़ेगी। हमने अपने इन्वर्टर की चार्जिंग बंद कर दी, अब चार्जिंग आएगी और कंटिन्यू रहेगी। दोस्तों हमारे मीटर तो आपको मैं नहीं दिखा सकता हूँ, मीटर अभी कैमरा वहाँ से हटा के फिर दिखाऊंगा मीटर। इसमें आप देख सकते हैं चार्जिंग कंटिन्यू है, अब ना कोई बिलिंग करेगी ना आके जाएगी, क्योंकि हमने अपने अपना इन्वर्टर बंद कर दिया है, इन्वर्टर ऑन कर दिया है, जिससे कि बैटरी उधर से खर्च होती रहे और इधर बैटरी है चार्ज करता रहे। दोस्तों 20 एम्पियर चार्जिंग है इसकी, लगभग 17-18 एम्पियर। मैं कैमरे से दिखाता हूँ आपको, देख सकते हैं दोस्तों हमारा ये टेम्परेरी लगा हुआ है मीटर। यहाँ लोगों के तो बोर्ड में होते हैं लगे हुए, मैं भी आगे चल के अपना पूरा सेटअप बना लूँगा, आप लोग मुझे सपोर्ट करें, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय श्री राम दोस्तों।